विकास दुबे चूंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर का रहने वाला है, विकास दुबे का एक यहाँ घर भी है, तो अब मार्केट बनी हुई है सिवली के अंदर। विकास दुबे हमसे आयु में 12 साल छोटा होगा, मेरी आयु लगभग 60 साल है इस समय और उसकी होगी 47 के करीब, चूंकि कुछ यहीं ताराचंद में पढ़ता था, यहीं के हमारे आसपास के लड़के भी पढ़ने जाते थे, तो उनसे पूछा कि उम्र क्या होगी, तो उन्होंने बताया 47 होगी इसके लगभग। विकास दुबे सातिर अपराधी था, बहुत कम आयु से ही अपराध करता था और तब इसके पास कुछ था नहीं। संतोष शुक्ला हत्याकांड में उस दिन ये मेरी हत्या करने के लिए आया था। अभी मैंने जो बोला कि इसकी पुलिस में जबरदस्त पैठ थी, एक दरोगा मुझे यहाँ लेने आया था। संतोष जी को ये पहले जानकारी हो गई थी कि ललन की आज हत्या हो जाएगी, तो उन्होंने कहा ललन घर से कहीं मत जाना और 10-20 लड़के अपने इकट्ठे कर लेना। खैर 10-20 लड़के अपने इकट्ठे हो गए और मैंने किसी से कुछ नहीं बताया, बस वो अलर्ट हो गए, होशियार हो गए, घर ही पे रहे। एक दरोगा यहाँ लेने आया जिसका ये अतुल का काउंटर हुआ है उस दिन। ये अतुल आगे मैंने देखा तो मैं जानता था ये तो विकास दुबे के परिवार का लड़का है। जब मैंने अतुल को देखा तो मैं समझ गया कोई साजिश है और मैंने उस दरोगा से जाने से मना कर दिया कि मैं थाने नहीं जाऊंगा कतई। उसने बड़ा प्रयास किया कि नहीं थोड़ी सी पूछताछ की जाएगी आपसे, आपको आपका ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, तो एक अप्लीकेशन आई है, बहुत जोर दिया उसने दरोगा ने, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेरी जब इच्छा होगी तब मैं जाऊंगा। और संतोष शुक्ला वहां से आ गए, संतोष शुक्ला वहां थाने के पास उतरे, उन्होंने देखा कि मॉब लगी है, जो राज्य मंत्री थे, सरकार भी थी, वो थाने जाकर के कुछ जानकारी भी करना चाहते थे। थाने के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। मुझे 5 मिनट मालूम हुआ बाद मालूम हुआ कि संतोष शुक्ला की हत्या कर दी गई। तो हम लोग थाने पे पहुंचे, तभी वो लोग भाग चुके थे। अमर को तो हम नहीं जानते थे, अतुल को जानते थे, अमर को तो बाद में जाना हम, चूंकि अमर की उम्र तो कम होगी। अमर को मैंने उस दिन फोटो में गाड़ी में देखा था, पूछा हमने ये किसका लड़का है, तो बताया गया ये अतुल का लड़का है। अमर को नहीं जानता था, लेकिन अतुल को जानता था। संजू का लड़का है ये बताया गया, तो संजू को मैं जानता था और अतुल को जानता था, लेकिन अमर को नहीं जानता था। तो लेकिन ये जरूर मैंने मेरे संज्ञान में था कि ये इसका बहुत मजबूत बॉडीगार्ड है, साथ में चलता है, खूंखार है, जबरदस्त है ये, मतलब आगे आगे उनके साथ रहता था। उस दिन की घटना की रात की घटना हम लोगों को जानकारी सुबह हुई, सुबह करीब हमें 7 बजे मालूम हुआ कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और बड़ी गाड़ी से कैलई गांव से निकला रात 2 बजे बड़ी तेजी से। वो बता रहे थे कि ब्रेकर बने हुए हैं बड़े, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड में निकल रही थी।